बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सीलेंट कॉलेज ई लर्निंग प्रोग्राम। अज़ीज़ तालबात, आज मैं आपके साथ सेकेंड ईयर के उर्दू का पैटर्न जो है वो शेयर करूँगी, ताकि आप लोग पैटर्न के मुताबिक जो है अपनी तैयारी करें। क्योंकि हम देखते हैं कि ज़बान जो होती है वो हम अपने ख्यालात के इजहार के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि ज़बान जो है वो हमारे ख्यालात का मौसर और कुदरती ज़रिया है। हम अपने ख्यालात दूसरों तक पहुँचाने के लिए ज़बान का इस्तेमाल करते हैं। ख़ास तौर पर आजकल हम देखते हैं कि जैसे ज़बान की मौजूदा जो शक्ल है वो इंसान की शौरी मेहनत और बेशुमार कोशिश का नतीजा है। जी, पहले पहले इंसान जो है वो मुहम्मल आवाज़ों के ज़रिए अपने जज्बात का इज़हार जो है वो दूसरों के तक पहुंचाता था, लेकिन जैसे जैसे ज़िंदगी में तरक्की हुई तो इंसान ने इन्हीं अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए ज़बान जो है वो तख्लीक की। तो लिहाजा ज़बान जो है वह हमारे ख्यालात के इजहार का बेहतरीन ज़रिया है। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये गिला होता है कि उर्दू में हमारे नंबर नहीं आते, लेकिन ये परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम उर्दू के साथ सलूक ही सोतेलों वाला करते हैं। अगर हम उसको भी साइंस सब्जेक्ट की तरह पढ़ें, तवज्जो दें, तो यकीनन हमारे नंबर जो हैं वो आ सकते हैं। क्योंकि मिर्ज़ा ख़ान दाग ने भी कहा था, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहाँ में धूम हमारी ज़बाँ की है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या है कि उर्दू की अफादियत और अहमियत का अंदाज़ा हो जाता है। एक जगह पर दाग ये भी कह रहे हैं, नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो, नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़बाँ आते आते। तो उर्दू जो ज़बान है वो इतनी आसान नहीं है, लिहाजा इसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत जो है वो दरकार है। आज हम पैटर्न के साथ साथ यही तमाम तफसीलात जो हैं वो डिस्कस करेंगे। चलें जी, शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। इसमें सवाल नंबर एक है, सवाल नंबर एक कौन सा है, हिस्सा मारूजी। और इस मारूजी में चार यानी कि जूस होते हैं, अलिफ बे और जीम और दाल। चारों जूस के नंबर जो होते हैं वो बराबर होते हैं, और आगे इंतखाब क्या होता है कि ये हमने सारे का सारे 20 नंबर का पेपर जो है वो करना होता है। आगे फिर कुल नंबर है, कुल नंबर में 5 नंबर पहले जूस के अलिफ के, 5 नंबर ही बे के, 5 ही जीम के और 5 ही दाल के। टोटल हमारे बने 20 नंबर। ये हमारे उर्दू के पर्चा का पहला सवाल है। और इसी तरह नंबर 2 पे नज़्म के, अच्छा स्टूडेंट मैं आपको बताती चलूँ कि ये मारूसी पेपर के बाद जो हमारा इंशाई पेपर होता है उसके भी दो हिस्से होते हैं, एक शेरी हिस्सा और दूसरा नसरी हिस्सा। शेरी हिस्से में सवाल नंबर 2 है, नज़म के 2 अशार की तशरीह है, लेकिन इसमें चॉइस कोई नहीं है, आपको यानी कि इंतखाब करना नहीं होगा, आपको दोनों के दोनों अशार की तशरीह करनी होगी। इसमें क्या होगा, आप नज़म का नाम लिखेंगे और नज़म का आप नज़म का उन्वान लिखेंगे, आप शायर का नाम लिखेंगे, उसके बाद में 2 अशार की, 4-4 नंबर के 2 अशार होंगे, 8 नंबर उनके होंगे, टोटल बने 10 नंबर। और इसी तरह बे जो है यानी कि हिस्सा नसर का जो यानी कि सवाल नंबर 2 का बे हिस्सा है वो है गज़ल के 3 अशार की तशरीह। इसमें भी आपको कोई चॉइस नहीं है, आपको जो अशार दिए जाएंगे आपको वही करने होंगे, क्योंकि 1 नंबर गज़ल के शायर के नाम का और 3-3 नंबर के 3 अशार होंगे। यकीनन एक ही गज़ल के 3 अशार होंगे और तीनों के नंबरों की जो तकसीम है वो 3-3-3, ठीक है, और टोटल हमारे पास हुए 10 नंबर। इसी तरह फिर यानी कि ये जो इंशाई पेपर का ये सवाल नंबर 2 जो है ये हमारा शेरी हिस्सा है। आगे हमारा आ जाता है हिस्सा 2। हिस्सा 2 में तीसरा सवाल आता है, सबकी इकतबास की तशरीह, और इसमें चॉइस है, इसमें 2 में से 1 आपने करना होगा, 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे, दोनों में से आपने 1 की तशरीह करनी होगी। इनमें नंबर की तकसीम कैसे है,
कि आपने हवाला मतन जो है मुसन्नफ़ का नाम, कहानी का उन्वान और फिर सियाक व सबाक, आपने ये बताना है कि वो पैराग्राफ जो है वो कहाँ से लिया गया। उसके बाद में 10 नंबर की तशरीह होगी, टोटल मिला के ये बने 15 नंबर। तो इन यानी कि तीसरा सवाल जो है हमारा वो है 15 नंबर का। और इसी तरह फिर आगे आ जाता है सवाल नंबर 4, सबकी खलासा। इसमें भी दो खलासे आएंगे, असबाक के दो खलासे आएंगे, उन दोनों में से आपने एक करना होगा। इसमें भी आपके पास चॉइस है, एक नंबर जो है मुसन्नफ़ के नाम का है और 9 नंबर आपके खलासे के हैं। तो कुल नंबर कितने हुए? 10। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गलती करते हैं कि वो सबक का खलासा लिखते हुए मुसन्नफ़ का नाम जो है वो पहले नहीं लिखते, लेकिन मुसन्नफ़ के नाम का पूरा एक नंबर जो है वो यहाँ से गंवा देते हैं। 5 नंबर जो सवाल है हमारा वो है नज़्म का खलासा। इसमें कोई चॉइस नहीं है, जो नज़्म का खलासा आएगा वो आपको लिखना होगा, वो है 5 नंबर का। इसी तरह फिर आपके उर्दू के पर्चे का 6ठा सवाल जो है बहुत ही अहम और नंबरों से भरपूर, ये है मज़मून नवीसी। इसमें 3 मज़ामीन आएंगे, 3 में से आपने एक मुंतखब करना होगा और इसके नंबर जो हैं वो हैं 20। तो लिहाजा जितने ज़्यादा नंबर होंगे उतना ज़्यादा आप मेहनत के साथ और तफसील के साथ वो सवाल जो है वो हल करेंगे। इसी तरह आखिरी और 7वां सवाल जो है हमारा वो है खतूत निगारी और आप बीती। यहाँ पे हम देखते हैं कि इनमें मैंने यानी कि पोर्शन बनाया है ख़त या आप बीती, इसमें चॉइस भी कोई नहीं है। ख़त भी आ सकता है, आप बीती भी आ सकती है, लेकिन अमूमन जो है वो खतूत आते हैं, लेकिन आप बीती हमारे सिलेबस में शामिल है तो लिहाजा हमें ये भी तैयार करना है। और इसके नंबर जो हैं वो 10 हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो नंबर हुए 100, यानी कि पूरे उर्दू के पर्चे का जो पैटर्न है वो आपके सामने है, तफसील के साथ सवाल नंबर है, फिर आगे सवाल की तफसील है, इंतखाब है और कुल नंबर है, टोटल नंबर 100। तो लिहाजा बच्चे यही गलती करते हैं कि वो उर्दू को यूँ समझ लेते हैं जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप इस तरह का सलूक जो है वो उर्दू के साथ करेंगे तो फिर आप ये गिला नहीं कर सकते कि उर्दू में नंबर जो हैं वो नहीं आते। जी आगे कुछ पेपर करने के लिए मैं आपको अहम हदायात देती हूँ। अब उर्दू का पेपर करने के लिए जो अहम हदायात हैं वो ये हैं कि हर सफ़ा पर 2 या 3 पैराग्राफ बनाएं और इसी तरह दूसरे नंबर पे अहम निकात जो हैं वो मार्कर से नमाया करें और तीसरा कटिंग और राइटिंग ओवर राइटिंग से गुरेज करें। अगर आप कटिंग करेंगे ओवर राइटिंग करेंगे तो यकीनन पेपर जब आपका चेक होगा तो चेक करने वाला आपको आपके मार्क्स जो है वो काट लेगा। इसी तरह नंबर 4 पे हर जवाब का इब्तदाइया और इख्तितामिया भरपूर हो, इसलिए कि जब भी आप इंसान अगर किसी शख्स से मिलता है तो सबसे पहले उसकी शख्सियत को देखता है, बाकी जो अवामल होते हैं वो बाद के होते हैं। तो इसी तरह मुमतहिन जो होता है जब पेपर चेक करता है तो वो उसका इब्तदाइया और इख्तितामिया जो है वो देखता है। तो लिहाजा आप किसी भी सवाल के इब्तदाइया, वो तशरीह हो, वो सियाक व सबाक हो, वो कोई भी हो, मज़मून हो, ख़त हो या आप बीती हो, लेकिन आप इब्तदाइया और इख्तिताम जो है उसका भरपूर करें। इसी तरह नंबर 5 में शेरी और नस्टी हवाला जात तहरीर करें। बहुत सारे बच्चे जो हैं जब सवाल हल करते हैं तो वो सीधा साधा सा स्पार्ट सा सवाल का जवाब दे देते हैं, ना उसमें कोई कोटेशन होती है, ना उसमें कोई शेरी हवाला होता है, ना नस्टी हवाला होता है, जिस वजह से उनके नंबर जो हैं वो काट लिए जाते हैं। इसी तरह अब मैं आपको बता देती हूँ, आपने जैसा कि फ़र्स्ट ईयर का मारूसी पेपर जो है वो भी पढ़ा, लेकिन सेकेंड ईयर का मारूसी पेपर जो है वो उससे बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ हम देखते हैं कि सबकी सवालात के सही जवाब पर निशान लगाना। मैंने यहाँ आपको बताया कि यहाँ पे मारूसी सवाल के 4 जूस हैं,
अलिफ पे जीम और दाल, और चारों जुज़ के पाँच पाँच नंबर हैं। तो मिला के ये हमारे उर्दू के पैटर्न का जो पहला सवाल है वो 20 नंबर का बना। तो वो 20 नंबर कैसे हैं कि पहला जो जुज़ है उसमें सबकी सवालात के सही जवाब पर आपने निशान लगाने होंगे। वो हिस्सा नसर के जो सबाक आपने पढ़े हैं उन्हीं में से आपको यानी कि एमसीक्यूज़ की शक्ल में ये सवाल आएंगे और आपने सही जवाब मुंतखब करना होगा। इसी तरह नंबर दो पे मुताबकत और हरूफ का सही इस्तेमाल, क्योंकि जब हम बोलते हैं रोज़मर्रा की गुफ्तगू में हम ये नहीं देखते कि फ़ेल जो है अपने फाइल से मुताबकत रखता है या नहीं। इसी तरह के आपको तीन यानी कि हरूफ मुताबकत दिए जाएंगे, पाँच दो मुताबकत के लिहाज से, जो हरूफ के लिहाज से, जो हरूफ के लिहाज से सही होंगे या मुताबकत के लिहाज से सही होंगे आपने उन पर निशान लगाने होंगे। और इसी तरह आगे फिर आ जाता है रमूज़ औकाफ़ की अलामतों में सही का इंतखाब। अब रमूज़ औकाफ़ क्या है, आप देखते हैं कि जब उर्दू या इंग्लिश कोई भी आप यानी कि सबक पढ़ते हैं तो उसमें मुख्तलिफ़ अलामतों का इस्तेमाल होता है। जैसे कि एक जुमला आपका मुकम्मल हुआ, आगे आपने उसके बाद आपने बाकायदा तौर पर उस पर फुल स्टॉप लगाया, ठीक है, ख़त्मा लगाया। अगर आपने सवाल किया तो आपने बाकायदा सवालिया अलामत लगाई। तो इसी तरह रमूज़ औकाफ़ की अलामतों में सही का इंतखाब आपने करना होगा। और चौथा जो चौदाल है उसमें अमदादी अफ़ाल का सही इस्तेमाल, ठीक है, ये थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, आप इसकी जब मश करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये भी आ जाएगा। आप देखते हैं कि बहुत सारे इसमें से नंबर्स ऐसे हैं जिसमें आपकी कारकर्दगी या आपकी लिखाई जो है वो नहीं देखी जाती, बल्कि आपके वो मुफ्त के नंबर हैं। अगर आप थोड़ी सी तवज्जो के साथ पेपर हल करें तो आपको आप पासिंग मार्क्स तो वैसे ही ले लेते हैं, लेकिन हमें पासिंग मार्क्स नहीं लेने, हमें अपना पेपर बेहतरीन तरीके से करना है ताकि दीगर मसामीन की तरह उर्दू में भी हमारे बेहतरीन नंबर हो। आज का लेक्चर जो है हम इसका इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम अपने पहले सबक के साथ आपसे आपके लिए हाज़िर होंगे।